Hello everybody, I am Anju Sangwan and you are most welcome on my channel New Era Maths Classes. हमने जो है 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट जो स्टार्ट कर रखा है उसके बेसिक कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं. नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स. ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कलेक्शन सेट बनेगी और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं बनेगी. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने सेट क्या बताया था. सेट क्या होता है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की. अब हमें यही देखना है कि ये कलेक्शन कौन सी वेल डिफाइंड होगी, कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, और जो वेल डिफाइंड होगी हमारा सेट बन जाएगी. ओके, चलो फर्स्ट गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद लेटर जे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसे मंथ ईयर के मंथ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओके, बता सकते हो फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट इज जनवरी. ओके, सेकंड जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से कि हमें वो महीने बताने हैं, वो मंथ्स निकालने हैं ईयर के जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो है वो तीन ही मंथ्स ऐसे हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, देन क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या था कि जो ऐसी कलेक्शन जिसके लिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सेम आए. ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो आपके पास क्या बन जाएगी? ये दिस इज द सेट, तो इसको आप सेट बोल सकते हो इस कलेक्शन को. ऑल राइट, सेकेंड देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के सबसे ज्यादा 10 टैलेंटेड राइटर्स बताओ, टैलेंटेड लेखक बताओ, तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी? देन ये कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? देखिए हमें निकालने हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. अब राइटर्स आपको कोई पसंद, हमें कोई पसंद, किसी और को कोई सा राइटर जो पसंद होगा, कौन, इसलिए सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जो है आपके पास व्यूज आएंगे, इसलिए हम ऐसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम टैलेंटेड राइटर्स बता सकते हैं. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इज नॉट वेल डिफाइंड. ओके, और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो आपके पास क्या होगा? इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं बनेगी. थर्ड देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन निकालने हैं आपको. ठीक है, अब बैट्समैन यहाँ पे भी आप ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा कि आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किसको बोलोगे. ओके, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम ये जज कर सकें कि ये जो बैट्समैन है वो बेस्ट होगा. ओके, देन इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है इज नॉट ए सेट. क्लियर, नेक्स्ट देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. आपकी क्लास में जो बॉयज की कलेक्शन है ये बताओ, क्या ये सेट बना सकते हो? जी हाँ, क्योंकि हम अपनी क्लास के बॉयज़ को इजीली काउंट कर सकते हैं और हम उसके कलेक्शन बना सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? सेट बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पिछली वीडियो में अच्छे से मैंने कवर किया ये टॉपिक, तो उसमें अगर समझ में नहीं आया हो यहाँ पे तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो. नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके पास जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. हमें क्या करना है? 100 से छोटे उठाने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे?
99, तो हम ये कलेक्शन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ये आपके पास बन जाएगा सेट। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवल्स हैं उनकी कलेक्शन क्या सेट बना सकते हो? जी हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल्स लिखे हैं आप उसको इजीली काउंट कर सकते हो और हम उसकी कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होती है वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं? जो हमारे पास माइनस के भी इंटीजर आए, जैसे -4, -3, -2, -1, इधर डॉट डॉट डॉट, इधर आ जाएगा 0, दिस इज 1, 2, 3, 4 अप टू 100, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि कलेक्शन निकालनी है ऑल इवन इंटीजर्स की, निकाल सकते हो, ओके। क्या बन जाएगी यहाँ से कलेक्शन? डैश डैश चलाते जाएंगे, यहाँ से इवन उठाने हैं, -4 -3 छोड़ देंगे, इसके बाद हम इवन उठा लेंगे, ठीक है। देन 2, दिस इज 3 अप टू 100, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम इसका सेट बनाएं तो क्या बनेगा हमारे पास? +-2, प्लस का भी 2, माइनस का भी 2, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आते हैं। +-4, +-6, +-8 अप टू 100, ठीक है। तो ये आपके पास इवन इंटीजर, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड इट इज अ सेट, ओके। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आपके जो चैप्टर में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनकी कलेक्शन बताओ, क्या ये सेट बन सकता है? जी हाँ, बन सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली काउंट कर सकते हो और हम इसका सेट बना सकते हैं। देन आपके पास ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है उनकी कलेक्शन बताओ। तो यहाँ से हम इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से हम कैसे निकालेंगे कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि डेंजरस एनिमल्स को मेज़र करने का कोई भी यहाँ पे जजमेंट करने का कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा? इज़ नॉट वेल डिफाइंड। किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, इसलिए यहाँ पर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ओके। अगर वेल डिफाइंड नहीं है देन इट इज नॉट ए सेट, ऑल राइट। देन आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था, चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन गिवन है। ए सेट गिवन आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। आपको फाइंड आउट करना है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये क्या होता है आपके पास? कंटेन, ठीक है। इज बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे ये सिंबल आएगा या फिर ये सिंबल आएगा, ओके। हम पीछे कल वाली वीडियो में बता भी चुके हैं, एप्सिलॉन यानी कि इसका मतलब होता है इज बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर ए सेट के अंदर है तो अगर हम ये सिंबल लगा देते हैं एलिमेंट्स और सेट के बीच में, इसका मतलब ये डिजिट सेट में बिलोंग कर रहा है, ओके, इसके अंदर है। एंड इसका मीनिंग क्या होता है अगर हम बीच में कट लगा देते हैं? दिस इज डज नॉट बिलोंग, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास गिवन है 5, क्या 5 इसके अंदर है सेट में? चेक करिए, दिस इज 5, तो 5 सेट में तो कौन सा सिंबल आ जाएगा? बिलोंग्स टू, ओके। क्या 8 इसके अंदर है? 6 तक डिजिट है, 8 नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू। 0 इसमें नहीं है, डजंट बिलोंग्स टू। 4 सेट में है, बिलोंग्स टू। 2 सेट में है, ए सेट में, बिलोंग्स टू। एंड 10 सेट में नहीं है, देन डजंट बिलोंग्स टू, ओके। तो आपको ये सिंबल याद करने ढंग से याद रखने, इसका मतलब होता है कि ये वो एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है एंड दिस इज डजंट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमने क्या बताई थी? ऐसा सेट जो हम
ब्रैकेट्स में अनक्लोज करते हैं और कॉमास लगाते हैं, ओके, यानी हम उसके डिजिट्स लिखते हैं। आपके पास सेट गिवन है इन रूल मेथड और आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ओके। चलिए, फर्स्ट गिवन आपके पास ए इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर और एक्स हमारा लाइक कर रहा है माइनस थ्री से बड़ा और सेवन से छोटा। इंटीजर आपको सबको पता होता है, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी आते हैं। चलिए निकालिए, हम कह रहे हैं कि एक्स हमारा माइनस थ्री से बड़ा है, बड़ा किधर जाता है आपके पास रियल लाइन, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इधर के जो डिजिट्स होते हैं हम राइट साइड पे जाते हैं तो ये डिजिट्स हमारे बड़े होते हैं, ठीक है। देन वन टू थ्री अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, माइनस थ्री से ग्रेटर लेना है, बड़ा लेना है तो माइनस टू से स्टार्ट करेंगे, माइनस टू माइनस वन फिर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सेवन नहीं लेंगे क्योंकि एक्स जो वो सेवन से छोटा बता रखा है, ओके। और हमें इंटीजर चाहिए तो लास्ट इंटीजर इज सिक्स, तो ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बी सेट गिवन है एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, बी सेट आपके पास नेचुरल नंबर छः से छोटे उठाने हैं तो नेचुरल नंबर सबको पता होता है वन से शुरू होते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। सी सेट गिवन है एक्स इज टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, ऐसे नेचुरल नंबर उठाओ टू डिजिट के जिनका सम एट आता हो, ठीक है। जैसे हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से शुरू करते हैं, वन टू थ्री अप टू सेवन चलते रहते हैं, तो ऐसे दो डिजिट उठाओ जिनका सम एट आ जाए। चलिए बनाते हैं, वन से शुरू करोगे तो टेन पहला टू डिजिट नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। टेन वन और ज़ीरो सम हमारा एट आना चाहिए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन देखते जाओ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवनटीन, वन प्लस सेवन इज एट, ओके। नेक्स्ट इज 26, दोनों को ऐड करोगे 8 आ रहा है। नेक्स्ट इज 35, देन 44, फिर 53, हमें लेना है 100 जो आपके नेचुरल नंबर उठाने हैं जिनका सम 8 आता हो। अभी हमने क्या कहा कि टू डिजिट होना चाहिए, टू डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, 99 पे ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद थ्री डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें जाना है 100 से पहले पहले 53, देन हमारे पास क्या आएगा 62, नेक्स्ट इज 71, 7 और 1, ठीक है, देन आ जाएगा 80, ये डिजिट्स आपके पास रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, डी एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 के डिवाइजर में से आपको प्राइम नंबर उठाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिवाइजर निकाल लीजिए, डिवाइजर ऑफ 60 कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सबसे भाग हो रहे हैं, 6, नेक्स्ट इज 10, 10 के बाद 12, देन 15 और इसके बाद आ जाएगा 20 और इसके बाद आना चाहिए आपके, सॉरी हाँ ठीक है, 23 ना, और आपके पास नेक्स्ट इज 30 और नेक्स्ट इज 60, तो ये आपके पास आ गए डिवाइजर ऑफ 60। हमें कैसे उठाने हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे डिजिट्स जो या तो इटसेल्फ डिवाइड होते हो या वन से डिवाइड होते हो, तो वन हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसके बाद हम प्राइम नंबर वाले टू से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो टू से स्टार्ट करो प्राइम नंबर, सेट हमारा क्या बन जाएगा, डी इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइम नंबर इज टू, देन थ्री, फोर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर कर सकते हो टू इंटू टू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइव, सिक्स इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब आप इसके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नंबर जिनके आप फैक्टर ना कर सकते हो वन और इटसेल्फ के, इनको दोनों को छोड़ के वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, 10 12 15 20, आगे कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 एंड 5, तो ये दिस इसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस सेट, ओके। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड दे रखा है, इसको आपने बनाना है सेट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा ई सेट है,
ठीक है। जब भी आप वर्ड का सेट बनाते हो तो जितने भी लेटर हैं टू टाइम्स थ्री टाइम्स बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको आपको एक बार लेना है, ठीक है। जैसे इसमें हम लेके चलते हैं टी, फर्स्ट लेटर, फिर हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद टी हमारा यहाँ पे भी यूज हो चुका है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। टी यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ से हम एक उठाएंगे। इसके बाद आता है आर, आर यहाँ पे भी यूज हो गया, इसको भी छोड़ देंगे, एक बार यूज करेंगे। इसके बाद आता है आई, ओके, जी, इसके बाद आता है ओ भी हमारे पास यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, तो ओ भी हम एक बार लेंगे। इसके बाद आता है एन, देन एम, ओ हमने छोड़ दिया क्योंकि ओ हमारे पास आ चुका है, एम, एम नहीं आया, ई, ई पे भी कहीं भी नहीं आया, ई, इसके बाद टी नहीं लेंगे, टी यहाँ पे आ चुका है, आर हमारा आ चुका है, लास्ट में रह गया वाई। दिस इज द रोस्टर, ओके। सेम टू सेम बेटर इसकी बनाओ, एफ सेट उठा लेते हैं हम, इसके हमें बी फर्स्ट, इसके बाद उठाएंगे ई कॉमा टी, दो टी दे रखे हैं, एक ही बार यूज़ करेंगे, ई हमारा यहाँ पे आ चुका, नेक्स्ट हमारे पास है आर, दिस इज द सेट। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चे नॉर्मल जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से समझना है इसको। ए सेट गिवन है 3, 6, 9, 12, तो इसका आप एक ऐसा रूल निकालिए जिससे हम उसको रूल मेथड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 1, ओके, देन 6, 3 into 2, देन 9, 3 into 3, देन 12, 3 into 4, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे जो तो 3 है, इसको हमने 3 into 1, 3 into 2, तो ये जो स्टार्टिंग वाला 3 है ये सबके साथ सेम चल रहा है, चेंज क्या हो रहा है, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, ओके। तो हमारे पास रूल क्या बन जाएगा इसका, x ऐसा हमारे पास नंबर होगा x such that x is equal to, x को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 का मल्टीपल, क्यों, क्योंकि सबके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ओके। 3 into n ले लेते हैं, 3n, हमने जो x को 3 into n इस फॉर्म में लेना है, और यहाँ पे हम बताएंगे n हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, ये नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हम बता देंगे कि n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ओके, ये तो हमने बता दिया, बट नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं, हमें कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है, तो इसलिए हम एक कंडीशन और बताएंगे कि n हमारा कहाँ से कहाँ तक लेस देन इक्वल टू 4। स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नेचुरल नंबर बोल दिया, तो अंडरस्टूड है कि वो 1 से स्टार्ट होगा, ओके, इसलिए हम क्या कहेंगे कि n हमारा लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो ये हमारा एक पास एक सेट का रूल बन जाता है, दिस इज। नेक्स्ट देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 2 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 1, ओके, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, दिस नेक्स्ट इज 8, 2 raised to power 3, नेक्स्ट इज 16, 2 raised to power 4, और 32 को मैंने लिख दिया 2 raised to power 5। 2 बेस सबका सेम चल रहा है, ओके, चलिए बनाइए। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स हमारा किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चेंज हो रहे हैं, इनको हम n ले लेते हैं, ठीक है। अब हम n बताएंगे, n हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, n हमारा नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है और n लेस देन इक्वल टू 5 जा रहा है, ये बन जाएगा हमारा रूल मेथड, ओके। नेक्स्ट इज 525 इन दिस, इसमें क्या दिख रहा है आपको, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 25, 3 पावर करेंगे तो 125, और 4 पावर करेंगे 25 into 25, 625, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5 की पावर 1 किया, 5 आया, 5 की पावर 2 करेंगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 करोगे 125 आएगा, और 5 की पावर 4 करते हैं तो 625। अंडरस्टैंड, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इज द 5, बेस सबका सेम चल रहा है,
raised to power n, and n belongs to natural number and n less than equal to 4. ठीक है. नेक्स्ट इज d दे रखा है आपके पास 2, 4, 6 अप टू सोन. वेरी सिंपल. x कैसे नंबर दिख रहे हैं आपको, 2 के मल्टीपल, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 अप टू सोन. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 के मल्टीपल. ओके. और n क्या बनेगा यहाँ पे, इसको लिखा हमने 2 × 1, इसको लिखा हमने 2 × 2, दिस इज 2 × 3, अब टू सोन चलते जाएंगे तो 2 सबके साथ सेम आ रहा है, चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n हमारा क्या कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में. ओके. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो सेट है वो डैश डैश लगा के छोड़ दिया है. जैसे अभी हम यहाँ तक हमारे पास बाउंडेशन थी तो n को हमने बताया था लेस देन इक्वल टू 4, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे छोड़ दें तो सीधा हम लिख देंगे n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक ही होते हैं, तो सारे सेट को कवर कर लेगा ये. ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज एंड पॉजिटिव, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है. वैसे तो इवन इंटीजर -2, -4, -6 भी होते हैं, इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स. ओके. चलिए नेक्स्ट दे रखा है e, e इज द, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज द जो है इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 के बाद स्टार्ट होते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट कह रहा है 1, 4, 9 अप टू 100. इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है, 1 की पावर की हमने, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर. ओके. अब टू सोन 10 को लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर. ऑलराइट. अब देखिए चेंज सेम क्या आ रहा है, पावर सबकी सेम आ रही है, चेंज कहाँ हो रहा है, 1, 2, 3 अप टू सोन. ठीक है. चलिए दिस इज x सच दैट x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, n की पावर 2, सबकी पावर 2 है, यहाँ बता देंगे हम. अब n हमारा क्या है, 1 से लेकर 10 तक. ठीक है. तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में और n हमारा लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए. दिस इज द सेट बिल्डर. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. यहाँ पे आपके पास रूल मेथड दे रखा है, आपको इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, दैट मीन्स आपको इसके रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है. चलिए a इज इक्वल टू x इज एन ए ओड नेचुरल नंबर, हमने क्या कहा, ओड नेचुरल नंबर्स. ठीक है. चलिए पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, दिस इज ओड, इसके बाद 3, 5, 7 अप टू सोन चलता रहेगा. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ओड नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज x इज एन इंटीजर, x लाई करना चाहिए -1/2 से 9/2. अब ये देखिए -1/2, दिस इज 0, दिस इज -1, इनके बीच में आएगा -1/2. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5. 9/2 कितना होता है, डिवाइड करके देख लो, 4.5, 4 के बाद आएगा 4.5, यहाँ पे आ गया. हमने कहा x हमारा इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर क्या होते हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इंटीजर होते हैं. कहते हैं x बड़ा है -1/2 से, तो x अगर -1/2 से बड़ा लेंगे तो इसके बाद इंटीजर -1/2 दोनों के बीच में है, तो 0 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा. ठीक है. और जाना है 9/2, यानी कि 9/2 हमारा ये बना था 4.5, इसे छोटा होना चाहिए, तो लास्ट इंटीजर हमारे पास 4 है. ठीक है. तो हमारे पास क्या 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 डिजिट्स आ जाएंगे इसके अंदर, b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4, इसके डिजिट हो सकते. नेक्स्ट देखिए, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन फोर. ठीक है. इसको आप क्या लिखोगे, x लाई करेगा लेस देन, अंडर रूट ले लेते दोनों साइड, +-2. ठीक है. इसको आप लिख सकते हो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, ये इनइक्वालिटी
हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, और टू से छोटी और इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी सेट में आ जाएगा आपके पास, माइनस टू से स्टार्ट करेंगे, माइनस टू के बाद क्या आता है आपके पास, इंटीजर होना चाहिए ना, इंटीजर बोल रखा है, तो माइनस टू के बाद माइनस वन, माइनस टू लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा रखा है, ओके, जीरो वन एंड टू, ये आपके पास सी सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल, क्या निकालते हो भाई, अभी हमने किया था एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल हम दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार ही यूज़ करते हैं सेट बनाते हैं तो एलिमेंट को, दिस इज द सेट, ठीक है। लास्ट इज एक्स इज द मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसे महीनों के का सेट बनाइए जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो ऐसे ऐसे सेट निकालो जिसमें 31 दिन नहीं है। फर्स्ट जनवरी 31 डेज है, नेक्स्ट इज फरवरी, नेक्स्ट मार्च 31 डेज होते हैं, इसके बाद आता है अप्रैल, मई में 31, इसके बाद क्या आ जाएगा जून, ओके, अरे गलत कर दिया, देखिए दोबारा से करते हैं। x हमारे पास गिवन है जिसमें 31 डेज आपके पास नहीं होने चाहिए, फरवरी में नहीं होते हैं, इसके बाद मार्च में होते हैं, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, अप्रैल आ जाएगा, फिर मई में 31 होते हैं, वो हमें नहीं लेना है, जून उठा लेंगे, जुलाई में 31 होते हैं वो नहीं लेंगे, अगस्त में होते हैं वो नहीं लेंगे, जुलाई का इसके बाद आता है सितंबर, ठीक है। सितंबर के बाद अक्टूबर 31 डेज नहीं लेंगे, इसके बाद नवंबर, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है।